हाय गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, मज़े में होंगे। आज की वीडियो जी उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनको मेरी लाइफ में, मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। आई मीन टू से इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। ऑब्वियसली आप लोग सब लोग कनेक्ट कर रहे होते हैं मुझसे, व्लॉग्स देखते हैं, कब से देखते हुए आ रहे हैं मेरे व्लॉग्स, तो आप लोग क्यूरियस होते हैं कि आगे का क्या प्लान है, क्या है, क्या सीन है। क्योंकि आई वॉज इन चाइना, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, और वहीं से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, तो बहुत सारे मेरी व्यूअरशिप जो है वो वहीं से मेरी बनी है। जब मैं चाइना के व्लॉग्स अपलोड करती थी, तो आप लोग सब लोगों के बहुत फेवरेट है अब तक भी चाइना के मेरे व्लॉग्स। तो सब लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं कि मुझे, मेरे साथ तब से कनेक्टेड हैं कि सिद्रा क्या है फ्यूचर प्लान्स और क्या सीन है जाने का, वापस जाना है नहीं जाना, और क्यों आई थी एंड ऑल। तो मुझे अभी आए हुए डेढ़ साल हो गया है, हाँ जी। और कोविड की वजह से मैं यहाँ पर आ गई थी, फिर वापस नहीं जा पाई, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए थे। तो उन सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। जो सो जस्ट स्टे ट्यून। जो जो लोग क्यूरियस थे जानने के लिए कि क्या है मेरे फ्यूचर प्लान्स और क्या मैंने आगे सोचा है और चाइना जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, और आज हमें इस वीडियो में हुसैन भी शायद ज्वाइन करें क्योंकि वो मेरे साथ थे चाइना में, तो हम दोनों ने साथ में ये जर्नी पूरी की है। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ। मैं काफ़ी दिनों से आप सबसे इस बारे में बात करना चाह रही थी। इन सबसे काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई क्या है चाइना, कब जाओगी कब नहीं जाओगी। तो मैंने सोचा एक कलेक्टिवली एक मैं वीडियो बना लूँ जिसमें आप सबको बता दूँ कि क्या सीन हुआ था मेरे साथ, अब मैं क्यों हूँ पाकिस्तान। ओके गाइज, Hi. Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all are doing well. Hi. Welcome back to her channel. So guys, 2019 में मुझे मिली थी चाइना की स्कॉलरशिप की, मास्टर्स के लिए मैं गई थी वहाँ पे, और मैंने जस्ट एक सेमेस्टर मैंने किया था, और लाइफ वाज गोइंग स्मूथ, सब कुछ बहुत स्मूथ जा रहा था और हम लोग बहुत फन कर रहे थे। हम लोगों ने चाइना बहुत एक्सप्लोर किया साथ में। हम लोग कहाँ गए थे, शंघाई गए थे। अब वो अलग बात है, आप लोगों ने व्लॉग्स नहीं देखे क्योंकि मैं बहुत सुस्त हूँ एडिटिंग में, तो वो आप लोगों ने नहीं देखे। हुआ तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। सो हम लोग जो है वो गए, एक्सप्लोर किया अच्छा खासा चाइना। मेरी अच्छी खासी स्टडीज चल रही थी। अम्मी लोग आए। हाय अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। मैं जब यूनिवर्सिटी जाती थी तो पीछे अम्मी ही देखती थी विल्दान को, तो बहुत आसानी हो गई थी। एनीवेज, मैं टॉपिक को कहाँ से कहाँ लेके जा रही हूँ। क्या हुआ, मैं यूनिवर्सिटी जाती थी, नॉर्मली सब कुछ हो रहा था, एकदम से जो है कोविड आ गया चाइना में, और वो इनिशिएट ही चाइना से हुआ। कहाँ से हुआ था? वुहान से हुआ था इनिशिएट। अम्मी लोग चले गए थे पाकिस्तान, वापस आ गए थे अम्मी लोग, और हम लोग उधर ही थे सारे। मैंने उन दिनों के व्लॉग्स डाले थे जो जो हम लोग जिन मुसीबतों से, मुश्किलों से गुजर रहे थे। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया था, और मेरा हॉस्पिटल भी नहीं था, ऑफ था हॉस्पिटल ड्यू टू कोविड सिचुएशन, और इसकी यूनिवर्सिटी भी ऑफ हो गई थी। तो वी थॉट हम लोगों को कहीं पर ट्रैवलिंग के लिए जाना चाहिए। तो मलेशिया की टिकट थोड़े से चीप मिल रहे थे हम लोग को वहाँ से, तो हम लोगों ने मलेशिया के टिकट्स अवेल किए और मलेशिया चले गए। For 25 days right? हम लोग अपना माइंड चेंज करने के लिए गए थे क्योंकि कोविड उस वक्त तक जस्ट चाइना में था और सर्दी बहुत ज्यादा थी, माइनस में टेम्परेचर था, तो हम लोग चाह रहे थे थोड़ा मलेशिया वगैरह से होकर आने का। माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, और वैसे भी कोविड तो इधर ही है। ये नहीं सोचा कि कोविड किस जा भी सकता है, मतलब इतनी दूर की हमने सोची नहीं। एग्जैक्टली तो जब हम लोगों ने एग्जिट किया है, फिर हम लोगों ने बहुत वैसे सोचा था इस बारे में कि हम लोग निकले ना निकले चाइना से, लेकिन इन दी एंड हमने कहा कि चलो 1 मंथ की तो बात है यार, चलो चलते हैं। हम लोग जस्ट घूम कर आ जाएंगे मलेशिया से, और हम लोग अपने रिटर्न टिकट्स लेकर गए थे। हम लोग हमारे रिटर्न टिकट्स थे जिसका अभी तक नहीं रिफंड भी नहीं हुआ। सो वहाँ पे गए हम लोग, और बस कब एग्जिट किया था हमने वहाँ से? हमने आई गेस 12 फैब को किया था। 12 फैब को किया था, एग्जिट किया था वहाँ से। हम लोग मलेशिया चले गए थे। जब मलेशिया में हम लोग बड़ा चिल कर रहे थे, हम लोग की फ़्लाइट थी 2 दिन के बाद अगेन बैक टू चाइना, और पता चला कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई। मुझे ईमेल आई रात में कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है ड्यू टू कोविड, आप वहाँ पर एंटर नहीं हो सकते। तो हमारे पास उस वक्त कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था, तो पाकिस्तान जिंदाबाद हम लोगों ने सोचा हम लोग पाकिस्तान चले जाते हैं, और थोड़े दिनों के बाद इतना सोचा नहीं था कि इतना ड्रैग हो जाएगा। 2 साल तक ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं था, और कभी इधर तक सोच ही नहीं गई कि पीछे से बॉर्डर्स बंद हो जाएंगे चाइना के। हम लोग यहाँ पर आए हैं और पीछे से बॉर्डर्स क्लोज हो गए। एग्जैक्टली और हम लोग यहाँ पर आए 7 मार्च को लैंड किया हम लोगों ने कराची में, और 25 मार्च को उनके बॉर्डर क्लोज हो गए। और वो भी अब तक यही उम्मीद है कि शायद अगले महीने खुल जाएंगे, शायद अगले महीने खुल जाएंगे, लेकिन हर महीने एक उम्मीद होती है कि खुल जाएंगे। इरादा था मेरा भी जाने का वापस, सिद्रा को तो खैर जाना ही जाना था, मेरा कोर्स कंप्लीट हो रहा था लाइक इन जुलाई, तो मुझे तो जाना ही जाना था, लेकिन सिद्रा का तो मस्त था जाना क्योंकि इसका 3 इयर्स का कोर्स था। तुम्हारा एंड हो गया था ना? मेरा अबाउट टू एंड था, जुलाई में एंड हो गया था, मेरी डिसर्टेशन वगैरह सब कुछ हो गई। हुसैन का ग्रेजुएशन ऑनलाइन हो चुका है, मेरा ऑनलाइन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आई गॉट माय पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, और मैंने जस्ट अपना 1 सेमेस्टर किया था और मेरा अभी पूरा है अभी। उसके बाद फिर मैं आई हूँ यहाँ पे, तो फिर भी था कि शायद हो जाए इस उम्मीद पे। हम लोगों का एक वीचैट होता है, वहाँ पे ग्रुप होते हैं, जैसे यहाँ पर व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप ज्यादा यूज हो जाता है, वहाँ पर वीचैट होता है, वहाँ का अपना लोकल है, तो वहाँ पे हम लोग बस, मैं हमेशा वीचैट खोल के बैठती थी कि शायद जो है कोई न्यूज मिले, क्या है क्या सीन है, कि आप लोग आ जाए। बट पीछे से मुझे न्यूज मिलती है कि कोई चांस नहीं है, अभी फॉरेनर्स को नहीं बुला रहे, स्टूडेंट्स को नहीं बुला रहे चाइना, तो आप जो है वो फ्रीज करवा लें। फ्रीज 2 ऑप्शंस दिए सिद्रा को, या तो आप ऑनलाइन कंटिन्यू करें या फिर फ्रीज करवा लें। तो सिद्रा ने मुझसे मशवरा किया एंड आई सेड बेटर शी शुड गो फॉर फ्रीज, क्योंकि अगर ऑनलाइन भी रखती है तो वो यूजफुल नहीं होगा। नहीं, मेरे लिए क्लासेस नहीं, मेरी मैम ने कहा कि तुम्हारा वो टाइम है कि अब तुम्हें सारे एक्सपेरिमेंट्स करने। मेरी फील्ड इस तरह की है, मैं वेटनरी मेडिसिन कर रही हूँ, ठीक है, उसकी की मास्टर्स के लिए मैं गई थी, तो वहाँ ज़्यादातर फील्ड वर्क होता है और सारा एक्सपेरिमेंटल वर्क होता है, आपको देखना होता है एनिमल्स को और फार्म्स पे और जाके इस तरह से एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। उसके लिए मेरा वहाँ पे होना लाजमी है। जो बाकी स्टूडेंट्स उनका ऑनलाइन चल रहा है, बट मैं एक प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हमारे ग्रुप में शायद मैं एक अनोखी हूँ, जो ग्रुप था उस ईयर का जिनको स्कॉलरशिप्स मिली थी, उनमें सिर्फ मैं ही एक अनोखी लड़की हूँ जो ऑनलाइन नहीं कर सकती। तो मेरी मैम ने मुझे सजेस्ट किया कि आप फ्रीज करवा लो अपनी डिग्री। इट वॉज वेरी टफ, के मतलब मैं कैसे 1 साल के लिए करवा लूँ फ्रीज। बट उसमें ये हुआ कि मेहरान आ गए, मेहरान ऑस्ट्रेलिया से आ गए पाकिस्तान, तो उसमें थोड़ा मेरा टाइम गुजर गया। लेकिन अब इट्स बिन 1.5 टू ऑलमोस्ट 2 होने वाले हैं, ऑलमोस्ट 2 इन मार्च, हाँ 2 साल हो जाएंगे। और अभी तक हम लोग वहीं पे रुके मैं इस उम्मीद में कि सामान, इवन मेरी बैचलर्स डिग्री, एमबीबीएस की डिग्री तक वहीं पे। अच्छा, ये भी सब लोग पूछ रहे थे, आप लोगों का जो उधर एक प्रॉपर घर था, आप लोग आप फॉलो करते थे उधर यूट्यूब सारे व्लॉग्स वगैरह देखते थे? जो था हम लोगों का वैसे तो रेंटेड था, हम लोग रेंट पे थे वहाँ पर, और वो लेकिन हम लोग ईयरली पे कर लेते थे। आपका वो पूरा बना बनाया घर था, मुझे मैसेजेस आते हैं, तो आप वो कैसे छोड़ के आ गए इधर? वैसे तो फर्निश्ड था वो, फर्निश्ड चाइना में ही होता है, चाइना में फर्निश्ड ही मिलते हैं, फर्निश्ड घर मिलते हैं, तो वो आपको आसानी हो जाती है। और वो अच्छी बात ये थी कि वो जून तक हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट था, तो जून तक तो हम लोगों का सामान सेफ था। उसके बाद आई वाज डूइंग जॉब समवेयर इन चाइना एज अ पार्ट टाइम, तो वहाँ की जो हमारी प्रिंसिपल थी, उनके पास उनके घर में बेसमेंट थी एक, वहाँ पे उनके पास स्पेयर स्पेस थी, तो उसमें उन्होंने हमारा सारा सामान सेव करके अब तक रखा हुआ है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हर, क्योंकि इतना ज्यादा सामान है, 3-4 बंदों का सामान है, और बहुत सारा सामान है। मेरा भी बहुत ज्यादा सामान है, मेरा पूरा का पूरा मेकअप, मेरे पास इतना कुछ नहीं है अभी। जो मैं सोच रहा हूँ कि अब हम लोगों को मंगवा लेना चाहिए सामान, आएंगे। मैं सोच रही हूँ कि हम लोग जो है वो कार्गो करवा लें, वापस सामान मंगवा लें। अच्छा, कार्गो में भी ये सीन है, मेटल की चीजें नहीं आ सकती। अच्छा, बट फिर वही होता है कि शायद नेक्स्ट मंथ आ जाए, तो फिर मेरे पास मेरी सारी अभी जो एक उम्मीद है, मार्च 2022 की एक उम्मीद है कि आई होप वो लोग बॉर्डर्स ओपन कर दें। बट मेरी 2-3 मंथ्स पहले मेरी मैम से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें अभी भी फ्रीज करवाना चाहिए। उन्होंने कहा अगर तुम्हें कंटिन्यू करना है, इतना ही शौक है तुम्हें पढ़ने का, तो तुम अपनी किसी उधर की यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर लो। आई डोंट नो वो किस सेंस में उन्होंने बोला, कि वो शायद एफिलिएटेड हो सकता है, नहीं है ना, तो वहाँ से तो मेरी यूनिवर्सिटी से कोई लिंक नहीं होगा ना, मतलब मुझे फिर पाकिस्तान की डिग्री। तो बस इन शॉर्ट यही था कि इसका फ्रीज है स्टिल, और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री कंप्लीट हो गई थी, और अगर अब मैं वेट कर भी रहा हूँ जाने का तो सिर्फ अपने सामान के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरा बड़ा प्रीशियस सामान है वहाँ पे। और हम लोगों ने रिसेंटली शॉपिंग की थी और बड़ी अच्छी खासी वाली शॉपिंग थी, सेल्स लगी हुई थी। सेल्स हम लोगों ने पाकिस्तानी 1-2 लाख का खर्चा कर लिया था सिर्फ कपड़ों पर। हम लोगों ने सेल्स लगी हुई थी और बहुत अच्छी और बहुत ब्रांडेड चीजें और बहुत अच्छे आपको प्राइस पे मिल रही थी। हम लोगों ने जाके खूब शॉपिंग की, सबसे ज्यादा शॉपिंग की 2-3 सालों तक। उसके बाद जो हुआ यार आपको कुछ नहीं पता होता फ्यूचर में अगले मोमेंट आपके साथ क्या होने वाला है। लेकिन अल्लाह ताला जो आपके लिए प्लान्स करते हैं ना वो जबरदस्त प्लान करते हैं। हमें स्टार्ट में बहुत बुरा लग रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, बाद में पता चलता है क्या लाइफ थी, क्या हो गया, क्या नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम। लेकिन बाद में अल्हम्दुलिल्लाह काफी चीजें पता चलती है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग मेरी लाइफ में मिकाइल, हाँ। अगर मैं ना आता तो मिकाइल कैसे आता, मिकाइल था। और बाकी अब्बू की तबीयत खराब हुई सडन, अम्मी की तबीयत सडन खराब हुई, दोनों का। अगर उसमें हम लोग साथ ना होते तो आई डोंट नो क्या होता, आई डोंट नो कैसे ये लोग सब मैनेज करते हैं। सोच भी नहीं सकती कि मैं ना हूँ इधर हम लोग दोनों। तो ये तो भी हर काम में बेहतरी होती है। एग्जैक्टली हम लोग सोचते क्या है लेकिन अल्लाह ताला प्लान्स अपने ही, अल्लाह के प्लान्स बेस्ट होते हैं। तो आप उन पे हमेशा भरोसा किया करें। अभी काफी अगर कोई लोग हैं इस तरह की चीजों में फंसे हुए हैं, अगर कोई वाइफ्स हैं इधर और उनके हस्बैंड्स आउट ऑफ कंट्री हैं, वो नहीं आ पा रहे या वो नहीं जा पा रही, तो बिल्कुल भी डिसहार्ट मत हुए। अल्लाह ताला ने आपके लिए बहुत अच्छा प्लान करके रखते हैं। हमें नहीं पता उन चीजों का, हमें नहीं पता कि वो किस तरह से हमारे लिए रास्ते खोल दें। अभी मेरा तो इतना फिर भी प्रॉब्लम नहीं क्योंकि मैंने जस्ट स्टार्ट किया था। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं चाइना के जो बेचारे यहाँ से बैठ के फीस भी पे कर रहे हैं, सेल्फ फाइनेंस में। मैं तो स्कॉलरशिप पे थी, इवन कि मुझे स्टिपेंड भी मिल रहा था, वो तो मुझे चाइना वाले दे रहे थे, मेरा कुछ ऊपर से नहीं लग रहे थे पैसे। उनका सोचें जो मतलब यहाँ से बैठ के फी भी पे कर रहे हैं। और अभी वो लोग क्या कह रहे थे तो मुझे कल बता रहे थे, अब तो एक और रूल भी आ गया कि हमारा जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है वो अब वो डिग्री भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे जिन लोगों ने ऑनलाइन MBBS की क्लासेस ली है, उनकी डिग्री एक्सेप्टेबल नहीं है। जिन लोगों ने भी MBBS अगर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये जो ईयर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी वार्डिंग के लिए। आपको वार्ड करना ज़रूरी होता है। अगर आप वार्ड में ही नहीं गए, ऑनलाइन क्लासेस लिए, तो दे विल नॉट एक्सेप्ट योर डिग्री। तो ये भी एक अच्छी बात तो मुझे नहीं लगी। इसके लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को स्टैंड लेना चाहिए और उन स्टूडेंट्स को एटलीस्ट एवैक्यूएट करना चाहिए यहाँ से कि वो अपनी स्टडीज को कंप्लीट करें। आई डोंट नो चाइनीज गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि वो स्टूडेंट्स को। चाइनीज गवर्नमेंट तो अनप्रेडिक्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल। वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया कि बस अब वो एंटर हो ही नहीं सकते। वो इतना डर गए क्योंकि यार हुआ भी तो वहीं से स्टार्ट था ना, तो वो लोग थोड़े से इस बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं कि वो अपनी सेफ्टी के लिए भी और आप लोगों की सेफ्टी के लिए भी। हाँ, तो ये बहुत सीन है और हो चुका है सबके साथ। और मैं नहीं, बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं इस कोविड को लेके। हर किसी की लाइफ में कोविड कुछ ना कुछ लेकर आया है। तो या आई एम होपफुल और मैं कोई बिल्कुल सैड नहीं होती है। वो ये होती हूँ कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया इतना, बट अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं और अपना टाइम वेस्ट ना करूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूँ जो कि रह गई थी तो विलदान की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। तो अब मैं सोच रही हूँ मैं इस टाइम को कंज्यूम करूँ और मैं अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूँ। एज आई एम अ वेट, तो मैं इसको वो नहीं करना चाहती, ज़ाया नहीं करना चाहती। और हुसैन भी मुझे पंप करता रहता है इस बारे में कि नहीं, अगर आप मेडिसिन में हैं, ये फील्ड अगर आपने चूज कर लिए तो यू हैव टू प्रैक्टिस, अदरवाइज नहीं, आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। चाहे आप PhD कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं है, हॉस्पिटल में नहीं है इन टच, तो कभी भी आप फिर इस डिग्री का फायदा ही नहीं है। आई थिंक ये तो बात है, सो यार अब आप लोगों को जवाब मिल गया होगा आपका। आई होप अब मुझसे कोई ना पूछे कि भाई कब जा रहे हो चाइना। और या बस इंशाल्लाह दुआ करें बॉर्डर्स खुल जाएं चाइना के और फिर मैं दोबारा से अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर पाऊँ, अपना सामान ले आ पाऊँ, अपना मेरा मेकअप है बहुत वहाँ पे अब तक तो एक्सपायर सारा ब्रांडेड मेकअप और इतना महंगा मेरा मेकअप। अभी मेरे पास जो भी मेकअप है सारा PR का है, मैं अपने खुद से नहीं लेती क्योंकि फिर मैं जब वहाँ जाऊँगी तो मुझे यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। उफ, तो एनीवेज अब यहाँ मैं अपना इस वीडियो को एंड करूंगी क्योंकि बैटरी बिल्कुल डेड है। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, लव यू गाइज ऑल, एंड इफ यू गाइज आर न्यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड click that bell icon so you guys can never miss a video, and also do like this video और या शेयर भी कर सकते हैं उन लोगों को जो कि क्यूरियस हैं सिद्रा क्यों नहीं जा रही चाइना, उनके साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लव यू गाइज ऑल।